सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो वेलकम बैक दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन नेवी में MR के थ्रू कुक स्टीवर्ड बन जाते हैं तो बाहर जाके आपके पास क्या करियर प्रस्पेक्टिव बहुत अच्छा हो सकता है। जी हाँ, अगर आप इंडियन नेवी में अग्निवार MR की तरफ भर्ती हुए हो और 10वीं पास करके नेवी ज्वाइन कर ली है और कुक स्टीवर्ड की ब्रांच आपको मिल गई है, लेकिन आप 4 साल बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो और आप बाहर करियर ढूंढ रहे हो, तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी आपको गाइडेंस देगी। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग, वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन नेवी MR में भर्ती हो चुके हो और आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग हो गई है तो याद रखना, आप बाहर जाकर बहुत अच्छा करियर बना सकते हो अगर आपको कुक स्टीवर्ड ब्रांच मिली है और आप परमानेंट नहीं होना चाहते हो। आपको करना क्या है कि आपको अपनी 2 साल की जॉब अच्छे से करनी है पहले, तो जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सको। जी हाँ, आप कुक स्टीवर्ड बनकर गए हो नेवी में, आपको 5-6 महीने की स्टार्टिंग ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसके बाद इधर इधर यूनिट स्टैब्लिशमेंट में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पर जब आपको टाइम मिले अपना टाइम मैनेजमेंट करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। आपको BCOM BA इग्नू जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ से जो डिग्री मिलेगी वो आपको लेना है, लो। पर आप 2 साल बाद ये करिए कि अगर आप परमानेंट नहीं होना चाहते हैं, आप आगे अपनी सर्विस नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको यह ब्रांच पसंद नहीं आ रही है या आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन करिए होटल मैनेजमेंट में। जी हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया या आपके डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटीज़ इतनी सारी हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट में करवाएंगी आपकी डिग्री। अगर 2 साल की सर्विस के बाद आप पहले 2 साल उधर कर लेते हो डिस्टेंट एजुकेशन से और 3रे साल में भले ही आपको क्रेडिट्स लेने के लिए या टेस्ट पास करने के लिए फिजिकली कुछ ड्यूरेशन का प्रैक्टिकल क्लास भी अटेंड करनी है, तो आप सर्विस के 4 साल कंप्लीट होने के बाद अपना 3रा साल एजुकेशन का कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार आपकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी हो गई, आप पता लगाओ, आप रिसर्च करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस होटल मैनेजमेंट की डिग्री देती है। आपको बिल्कुल नहीं जाना, बस ऑनलाइन कभी कभी एग्ज़ाम तैयार करना है। जिस ड्यूरेशन में आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम आप छुट्टी ले लेना। आपको साल में 30 दिन की छुट्टी तो मिल ही रही है, आप 30 दिन की छुट्टी जब आपका होटल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम होगा तब ले लेना, ताकि आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सको, उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम्स दे सको और फिर बाहर आके 4 साल बाद जब आपके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होगी, आप किसी भी अच्छे 3-स्टार 4-स्टार 5-स्टार होटल में जाकर अप्लाई कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। जी हाँ, 4-स्टार होटल 3-स्टार होटल 5-स्टार होटल में आप जब बताओगे कि आप ऑलरेडी इंडियन नेवी में कुक स्टीवर्ड का काम कर चुके हो और आप पूरे प्रोफेशनली ट्रेंड हो, प्लस आपके पास एक होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, तो आपका करियर एस्पेक्ट बहुत अच्छा उड़ जाएगा। उसके बाद अगर आप MBA करना चाहते हो, 2-3 साल जॉब लग गए उसके बाद MBA करना चाहते हो, तो MBA का भी करियर आपका बहुत अच्छा होगा और आपको वह एक बहुत अच्छा फ्यूचर एस्पेक्ट बाहर आगे दिखाएगा। इसमें आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपको जो भी काम करना है पूरी डेडिकेशन से करना है, क्योंकि यह कलिनरी स्किल्स जो आपके हाथों की होगी, जो काम करना आपको आना चाहिए, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको चाहिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर को ग्रोथ करने के लिए। तो जितने भी नेवी के MR रिक्रूट हैं, परेशान हो रहे हैं कि आगे करियर का क्या होगा, वह ये बात ध्यान रखिए कि होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, आगे जाके MBA आप कर सकते हैं 4 साल बाद, तो जो आपका 10 लाख का पैक पैसा आपको मिलेगा उससे आप आगे पढ़ाई करके बहुत अच्छी नौकरी देख सकते हैं अपने लिए।
तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।